नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मनी एंड मीनू में। और हम हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के मेहड़ गांव से। तो दोस्तों, हम अपनी लाइफ को सिनेमैटिक ब्लॉग के जरिए डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और हर ब्लॉग में हम अपनी लाइफ के खास पलों और माउंटेन लाइफ को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग भी हमारी लाइफ का हिस्सा बन सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ असली माउंटेन लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। तो स्वागत है आपका हमारे आज के नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज का मौसम बहुत ही प्यारा है और आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मक्के की रोटी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो दोस्तों, अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना और आजकल गांव में लोगों ने जितनी भी फसल बोई है वो सब तैयार हो चुकी है निकालने के लिए। तो हम लोगों ने भी अपने खेत में चौलाई बोई थी और आज हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। जब चौलाई के पौधे बहुत छोटे छोटे और कोमल कोमल होते हैं, तब इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, जो कि बहुत टेस्टी होती है खाने में। और इसके बीजों से लड्डू भी बनाए जाते हैं और इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इतनी चमक रही थी और इतना सारा काम करके हालत ख़राब हो गई है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दिन के खाने की तैयारी कर रही हूँ और थक लग गई है, सुबह से लगे हुए हम। चौराई को हमने सुबह निकाला था और थोड़ा धूप में हमने उसको सुखाया और शाम के टाइम पे हम इसकी मंडाई कर रहे हैं। डांडा धमधम आए मृग पुकारी रोई, बागन बकरी पकड़ी का छोड़ो मैं तोई। इसका नाम निर्माण हमारे ग्राम प्रधान जी के नेतृत्व में किया गया है। यह हमारी बुआ जी है, जो कि जौल देवी मंदिर में हुए पाठ में शामिल होने के लिए आए थे। और नवरात्रि पाठ के हमने दो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जिनको आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। बुआ जी अपने घर चले गए हैं और नए सीजन की सब्जियां बोने का भी टाइम आ चुका है, तो इसलिए आज हम अपने खेत की सफाई कर रहे हैं।
अभी मेरा थोड़ा घर का बहुत सारा काम बचा हुआ है वो निपटाते हैं, और उसके बाद हमने आज सोचा है कि इस मतलब इस सीज़न की जो मिर्च है वो लास्ट की रह रही है थोड़ी बहुत, तो हम उनका अचार डाल देंगे। दोस्तों आज हम आए हुए हैं देवप्रयाग, और क्योंकि करवा चौथ आने वाला है तो हमें थोड़ा बहुत सामान भी लेना था, और अभी हम आए हुए हैं संगम में, और संगम से देवप्रयाग का नया पुल भी दिखता है, और हम इसके बाद नए पुल को देखने के लिए भी गए जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ का नया पुल देवप्रयाग का।